चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग जिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो है सेल चैप्टर क्लास 11 सीबीएसई, और इसमें जो टॉपिक है सेल वॉल, ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ इट्स इंट्रोडक्शन, केमिकल कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसको सबसे पहले कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है, नेक्स्ट, जो सेल वॉल है ये क्या है? इट इज अ रिजिड। ये रिजिड है मतलब ठोस है, रिजिड एंड नॉन लिविंग। इट इज अ रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स एंड, ठीक है, ये रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो क्या फॉर्म कर रहा है? इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सेल वॉल क्या है? ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा इन 1665। सेकेंड, ये एक रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है विच फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग किसका? ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई, ये दोनों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, दैट इज अ रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। नाउ इट इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, इट इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये टोटली एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। नाउ सेल वॉल इज मेटाबॉलिकली, सेल वॉल क्या है? ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल वॉल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन नेचर, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड इट शोज ग्रोथ एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और साथ ही साथ इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट, जो सेल वॉल का थिकनेस है इट वेरीज फ्रॉम 0.1 to 1 μm। द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल, द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल, हाँ सर बोलिए, थोड़ा देर बाद कॉल करते हैं सर, पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, देखो द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इज 0.121 μm, द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इज 0.121 μm. नाउ नहीं आ रहा है, ठीक है, द थिकनेस ऑफ द वॉल, सेल वॉल क्या है 0.121 μm. अब सेल वॉल नॉट ओनली गिव, या सेल वॉल नॉट ओनली गिव, या लिख सकते हैं नॉट ओनली प्रोवाइडिंग, या नॉट ओनली प्रोवाइड सेप टू द सेल, ये ना सिर्फ किसी प्लांट सेल को या फंगल सेल को सेप देता है और प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सेल्स, प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन. ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि सेल वॉल का मेन काम है इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द सेल प्लस इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन. साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन. ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है एंड प्रोवाइड प्रोवाइड बैरियर, इसके लिए बैरियर प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल व्हाट मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सेल वॉल है इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये साथ ही साथ बैरियर प्रोवाइड करता है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो ये सेल का है. ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए, इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665. सेकेंड, इट इज अ रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई. बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है बट बैक्टीरिया इज नॉट द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, इसलिए हम यहां पर बैक्टीरिया का जिक्र नहीं किए. नेक्स्ट, इट इज टोटली एबसेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल कंप्लीटली एबसेंट होता है. नाउ सेल वॉल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड इट इज ऑल्सो शोइंग द कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ. ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन शेप एंड साइज. नाउ द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इज 0.121 μm. नाउ सेल वॉल जो है इट नॉट ओनली गिव और प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन, बल्कि साथ ही साथ ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में. सेल टू सेल इंटरेक्शन में कैसे मदद करता है, थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक चैनल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा विच वी डिस्कस इन दिस लेटर. ओके, एंड प्रोवाइड बैरियर, इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बैरियर फॉर वॉट, फॉर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स विच इंटर इन टू द सेल और ट्राई टू इंटर इन टू द सेल, इट एक्ट्स एज अ बैरियर. यहां तक सभी को समझ आ गया, किसी को दिक्कत है बोलो. तुबा, किसी को, श्रेया, अंजलि, गर्ल्स में किसी को दिक्कत है, किसी को भी, गर्ल्स बॉयज किसी को भी? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन. ठीक है, मतलब किस केमिकल कॉम्पोनेंट से सेल वॉल बना हुआ है. हम भेज देंगे, चिंता मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, पहले समझो. ओके सर. ठीक है,
नेक्स्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन लिखेंगे द सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी क्या है, प्लांट है, थैलोफाइटा में आएगा। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोस, CGM, सी फॉर सेलुलोस, जी फॉर गैलेक्टिन एंड एम फॉर मैनेन, अलोंग विथ अ मिनरल जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनता है, इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सी फॉर सेलुलोज, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस, मैनेंस, ठीक है, एंड मिनरल्स, एंड मिनरल्स, एंड मिनरल्स। ये मिनरल्स क्या है, एंड मिनरल्स लाइक, अभी जस्ट बताएं, कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनन एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी। नाउ तो सेल वॉल जो है नॉर्मली प्लांट का नॉर्मल क्या होगा, द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होगा, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ, ये क्या कंपोज्ड करता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन एंड प्रोटीन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन एंड प्रोटीन। और नॉर्मल प्लांट सेल में यही कॉम्पोजिशन है, CHPP, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल में, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल में सबसे पहला जो पार्ट है वो है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल अकाउंट में जानेंगे कि व्हाट इज मिडिल लैमेला। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। जो मिडिल लैमेला है ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का, और द इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल और द इंटर सेलुलर और द इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर, इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर जो कि सेपरेटिंग द, सेपरेटिंग द वॉल्स, सेपरेटिंग द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट प्लांट सेल, टू एडजेसेंट प्लांट सेल, दो लगातार जो प्लांट सेल है उसके बीच का जो कनेक्टिंग लेयर है, आउटर मोस्ट कनेक्टिंग लेयर है वो मिडिल लैमेला है। इसलिए या तो हम बोल सकते हैं कि मिडिल लैमेला जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, या इट इज अ इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर सेपरेटिंग
द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल वॉल। ठीक है दोस्त, ऐसे मान लो ये मेरा दो उंगली दो प्लांट सेल है, तो दोनों का जो आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल, और ये दोनों सेल वॉल जो है मिडिल लैमेला के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है अब इसके बाद लिखेंगे द पेक्टिन, द पेक्टिन आर मोस्टली फाउंड इन द सेल वॉल मिडिल लैमेला। द पेक्टिन या रुकना नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं द पेक्टिन आर मोस्टली फाउंड इन द मिडिल लैमेला। पेक्टिन जो है ये मोस्टली मिडिल लैमेला में पाया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्या है, द बेसिक केमिकल यूनिट जो है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल यूनिट है पेक्टिन का, वो है कार्बोहाइड्रेट एंड गैलेक्टा यूरोनिक एसिड। तो लिखेंगे द बेसिक केमिकल, द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ द पेक्टिन, द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ द पेक्टिन इज द कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद गैलेक्टा गैलेक्टियूरोनिक एसिड, गैलेक्टियूरोनिक एसिड विच इज, ठीक है देखो जो पेक्टिन है इट इज मोस्टली फाउंड इन द मिडिल लैमेला। सेकेंड जो पेक्टिन है उसका बेसिक केमिकल यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टियूरोनिक एसिड है जो कि तुम्हारा क्या करता है, विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट्स विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट्स विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट्स विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नाउ मिडिल लैमेला जो है इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ, मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये जो मिडिल लैमेला वो किससे बनता है, बेसिकली कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। और जब कोई भी फ्रूट का आउटर वॉल, ठीक है फ्रूट सॉफ्ट यानी सॉफ्ट होता है और वो खाने लायक होता है, इट इज एडिबल, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला। तो लिखेंगे द फ्रूट सॉफ्टेन एंड अटेन्स एडिबल मतलब खाने लायक, एडिबल मैच्योरिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ ड्यू टू द लॉस ऑफ पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला। ठीक है सबसे पहले मिडिल लैमेला जो है मेनली कंपोज करता है कैल्शियम पेक्टेट, और जब फ्रूट सॉफ्टन होता है नरम होता है और एडिबल मैच्योरिटी वो इतना मैच्योर हो जाता है कि अब वो खाने लायक हो जाता है, उसका मूल कारण है, द मेन रीजन इज लॉस ऑफ पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला। तो यहां तक सभी को क्लियर मिडिल लैमेला के बारे में? हाँ जी पहले बताओ आज समझ आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। बाकी सब? हेमिसेलुलोज़ अरे भाई सेलुलोज हेमिसेलुलोज दिस ऑल आर पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाए थे हम बायोमोलिक्यूल्स में। हाँ सर। हाँ तो दिस ऑल आर मेड अप ऑफ मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट। ओके ठीक है
देखो जितना भी सेल वॉल है दे ऑल आर मेड अप ऑफ क्या, ऑल आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, दे मे बी सेलुलोज, दे मे बी क्यूटीन, दे मे बी पेक्टीन एंड दिस ऑल आर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और बोलो जो नहीं है उन लोगों को समझ आ रहा है? रिया, श्रेया, ठीक है, और रिया की जो फ्रेंड है नाम याद नहीं आ रहा है? सर ये कितने मार्क्स का आता है ये वाला चैप्टर? देखो ये तो इस बार देखना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इस बार अप डाउन हुआ है ना, बहुत सारा 2021 में सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर को एलिमिनेट किया गया है, तो इसका मार्क्स हम लोग हम नेक्स्ट चैप्टर में बता दें, मतलब नेक्स्ट डे बता देंगे, अंदाज में बोलना ठीक नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, इसका मार्क्स हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अरे वैसे नहीं हो रहा है, तुम समझो हम इधर से जा रहे हैं सीधा चैप्टर वन से और उधर पीछे से आ रहे हैं, समझ गए? उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर बताया जाएगा एक बार और। ठीक है, हो गया। अब देखो मिडिल लैमेला के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल क्या है? द इनिशियल ऑफ द इनिशियल वॉल ऑफ द प्लांट इज द प्राइमरी वॉल। द इनिशियल वॉल, जो इनिशियल वॉल है प्लांट का, जो शुरुआती वॉल है, जो सबसे पहला वॉल लेयर बनता है वो तुम्हारा प्राइमरी वॉल है, और देखा जाए तो ये मिडिल लैमेला के दोनों साइड में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेकंड में प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल के बारे में जानते हैं, तो लिखेंगे द इनिशियल वॉल, द इनिशियल वॉल, द इनिशियल वॉल ऑफ अ प्लांट, द इनिशियल वॉल ऑफ अ प्लांट इज ऑफ द प्लांट इज द प्राइमरी वॉल विच इज found inner to middle lamella, which is found inner to middle lamella, middle lamella के नीचे यानी ऊपर नहीं, तो इसलिए inner हो गया middle lamella। ठीक है, बल्कि देखा जाए तो primary wall develops on both side of the middle lamella। ठीक है, primary wall develops on both side on middle lamella, जो primary wall है वो develop करता है middle lamella के both side में। next primary wall का chemical composition जान लो, primary wall is composed of what? cellulose, hemicellulose के बाद pectin and lignin। ठीक है, hemicellulose, cellulose, pectin और lignin, ये किसका chemical composition है? प्राइमरी वॉल का। अब सेलुलोज, ठीक है, बोला जा रहा है ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो कि कंस्टिट्यूएंट्स है सेल वॉल का भी, इसको बेसिकली सिंथेसाइज करता है गॉल्जी एपरेटस। ठीक है, तुम देखो सेलुलोज जो है कई बार किसी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए अकेले सेलुलोज इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड अ केमिकल स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्राइमरी सेल वॉल। Along with cellulose, hemicellulose, pectin and lignin are also present. Basically, hemicellulose तो cellulose को structure provide करता ही है, pectin और lignin जो है they are water impermeable. ये एक अलग nature है जो इसको extra stability provide करता है। हाँ? pectin hemicellulose में नहीं आता है, तुम बात नहीं समझ रही है मेरा। हम बोल रहे हैं pectin और lignin जो है ये एक अलग chemical compound है जिसका सबसे बड़ा नेचर है दे आर इम्परमिएबल टू वाटर, समझ गए?
कॉमन समझो ना, अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है वो तो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहेगा, तब तो उसका सेल वॉल पूरी तरह से गल जाना चाहिए, ठीक है। या बरसात के दिन में पानी में रहता है हमेशा, प्लांट के ऊपर हमेशा पानी गिर रहा है, लेकिन उसका क्या सेल वॉल गल जा रहा है, क्या ये मोल्ट कर रहा है? नहीं, उसका कारण है उसमें ऐसा वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है। जैसे लीफ में क्या होता है, लीफ के आउटर सरफेस में जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर पाया जाता है क्यूटीन, जिसको हम लोग आगे जाके बोलते हैं क्यूटिकल। उसी तरह से स्टेम में होता है लिग्निन या सुबेरीन। सुबेरीन जब स्टेम में जमा होता है तो वो बनाता है कॉर्क, समझ गए? एंड दीज आर ऑल वाटर इम्परमिएबल केमिकल, क्लियर? अब देखो, अब क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। उसके बाद लिखेंगे सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज विच आर द कॉम्पोनेंट्स, विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, विच आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज बाय, किससे बोले, आर सिंथेसाइज बाय गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी, जो लिखना है गॉल्जी एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सेलुलोजिक वॉल है इसको हम लैब में माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं by a staining that is called zinc chloroiodide. By zinc chloroiodide we can easily stain the cellulosic cell wall. ठीक है, एक point note कर लो, ये laboratory में काम आएगा। Cellulosic cell wall, MCQ questions में cellulosic cell wall can be specifically स्टेन्ड बाय, स्टेन्ड मतलब होता है रंगना, स्टेन्ड बाय जिंक क्लोर आयोडाइड, जिंक क्लोर आयोडाइड, ये हो गया सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेलुलोजिक सेल वॉल जो है इट इज स्पेसिफिकली स्टेन्ड बाय जिंक क्लोर आयोडाइड, ओके, समझ आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये तुम्हारा थिक होता है, रिजिड होता है, ठीक है, और परमिएबल। सेकेंडरी सेल वॉल का कैरेक्टर याद रखने का तरीका है टीआरपी, टी फॉर थिक, आर फॉर रिजिड, पी फॉर परमिएबल, ठीक है, एंड इट इज इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या हुआ, पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द इनिशियल वॉल ऑफ द प्लांट विच इज फाउंड इनर टू द मिडिल लैमेला। इनफैक्ट वी कैन से द मिडिल लैमेला इज सराउंडेड ऑन बोथ साइड बाय अ प्राइमरी वॉल। नाउ प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट और कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज बेसिकली सिंथेसाइज बाय गॉल्जी एपरेटस और गॉल्जी बॉडी। एंड फाइनली सेलुलोजिक सेल वॉल इज इजिली स्टेन्ड बाय जिंक क्लोर आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला आउटर लेयर है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के अंदर है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल से नीचे है सेकेंडरी वॉल। तो लिखेंगे थर्ड सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब द प्राइमरी सेल वॉल इज फॉलोड बाय, द प्राइमरी सेल वॉल इज फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है इसको फॉलो कौन करता है, सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ
सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक. सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? इट इज थिक, रिजिड, परमिएबल. परमिएबल मीन्स इट अलाउ ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टू गो इन और आउट ऑफ द सेल. सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक, रिजिड, परमिएबल एंड लाइज नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक है, रिजिड है, परमिएबल है, और ये या तो नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और टर्शियरी सेल वॉल. अगर टर्शियरी सेल वॉल हुआ तो इट इज नियर द टर्शियरी सेल वॉल और इट इज नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट. अब क्या लिखेंगे? इट यानी सेकेंडरी सेकेंडरी इट मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बनता है? इट मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बनता है? मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज हेमी सेलुलोज ज़ाइलन सेलुलोज हेमी सेलुलोज ज़ाइलन एंड लिग्निन. बहुत सारा है लेकिन ये तीन को लिख लो, चार, एंड लिग्निन एक्सेट्रा. अब क्या होगा? लिग्निन क्या है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट. लिग्निन क्या है? लिग्निन इज क्या है? लिग्निन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड व्हाट एंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स. और ये मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका? ऊडी टिश्यू का. मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऊडी टिश्यू, ठीक है, जो हार्ड और ऊडी होता है प्लांट का पार्ट, उसमें बेसिकली लिग्निन का डिपोजिशन होता है. ठीक है, दूसरा जो डिपोजिशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल में वो सुबेरीन का होता है, जिससे ये लेयर कॉर्क में फॉर्म होता है. नेक्स्ट. इन सम सेल्स द इन सम सेल्स द सेकेंडरी वॉल इज इन सम सेल द सेकेंडरी वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सुबेरीन. इम्प्रेग्नेटेड विथ सुबेरीन. इम्प्रेग्नेटेड विथ सुबेरीन टू फॉर्म कॉर्क. इम्प्रेग्नेटेड विथ सुबेरीन टू फॉर्म कॉर्क. ठीक है, टू फॉर्म कॉर्क मेकिंग इट. इम्प्रेग्नेटेड विथ सुबेरीन टू फॉर्म कॉर्क मेकिंग इट इम्परमिएबल टू वाटर. मेकिंग इट इम्परवियस यानी इम्परमिएबल टू वाटर. तो देखो, कुछ सेल में जो सेकेंडरी वॉल है इट इज इम्प्रेग्नेटेड मीन्स डिपोजिटेड विथ सुबेरीन. एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स टू फॉर्म कॉर्क. Thus it making it impervious to water. तो सबसे पहले सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल के बाद पाया जाता है. आइदर द सेकेंडरी वॉल इज नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द कंडीशन इज द टर्शियरी सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. और अगर टर्शियरी सेल वॉल है प्राइमरी सेकेंडरी के बाद, तो देन द सेकेंडरी सेल वॉल इज नियर टू टर्शियरी सेल वॉल. ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक होता है,
रिजिड होता है और परमिएबल होता है। नेक्स्ट, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये बेसिकली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ज़ाइलन और लिग्निन इसका डोमिनेंट केमिकल कंपाउंड्स है। जो लिग्निन होता है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, किसका? कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ठीक है, दिस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वुडी टिश्यू, जो भी हार्ड वुड होता है प्लांट में। नाउ इन सम सेल्स सेकेंडरी वॉल जो है ये इम्प्रेगनेटेड मीन्स डिपोजिटेड होता है सुबेरीन से भी, जिसके कारण ये लेयर कॉर्क का फॉर्मेशन करता है एंड दिस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन, सुबेरीन का जमा होने के कारण ये लेयर इम्परमिएबल टू वाटर होता है। समझ आया सुजीत इरशाद? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। कुछ जगह में इस सेकेंडरी सेल वॉल में क्यूटीन का भी डिपोजिशन होता है, ठीक है, और क्यूटीन जो है ये बेसिकली इम्परमिएबल टू वाटर होता है एंड इट इज बेसिकली फाउंड टू द अबव और अबव द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये बेसिकली लीफ में बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, इन सम सेकेंडरी सेल वॉल, इन सम सेकेंडरी सेल वॉल क्यूटीन इज फाउंड। क्या पाया जाता है? क्यूटीन इज फाउंड, ठीक है। जनरली क्यूटीन इज फाउंड जनरली एट द प्लांट्स, जनरली एट द प्लांट्स सरफेसेस, प्लांट के सरफेस यानी आउटर सरफेस में पाया जाता है एज द इपिडर्मल सेल। इपिडर्मल सेल ऑफ क्या? सबसे पहले लिखो लीफ, उसके बाद लिखो स्टेम, ठीक है। तो यहां पे सेकेंडरी वॉल में तीन तरह का डिपोजिशन है, पहला लिग्निन, दूसरा सुबेरीन। जब सुबेरीन होगा तो इट फॉर्म्स अ कॉर्क लेयर, जब लिग्निन का डिपोजिशन होगा इट फॉर्म्स अ वुडी टिश्यू, और जब क्यूटीन का डिपोजिशन होगा इट फॉर्म्स अ क्यूटिकल लेयर विच बेसिक फंक्शन इज टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका मेन काम क्या है? टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। अब आ जाओ टर्शियरी सेल वॉल, फोर्थ, टर्शियरी सेल वॉल। ये जो तुम्हारा टर्शियरी सेल वॉल है, ठीक है, इट मे बी प्रेजेंट और इट मे नॉट बी प्रेजेंट। वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमी सेलुलोज ग्लाइकेन। क्या कंपोज करता है? हेमी सेलुलोज ज़ाइलन, XYLAN, हेमी सेलुलोज ज़ाइलन, ठीक है। ये हो गया टर्शियरी सेल वॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा एडजेसेंट सेल वॉल के बीच एक साइटोप्लाज्मिक चैनल बनाता है जिससे एक सेल से दूसरे सेल के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या बायोलॉजिकल टर्म में प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे पहला है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? इट इज अ फिब्रिलर, ठीक है, फिब्रिलर प्लाज्मा कनेक्शन, ठीक है, थ्रू विच इट लिखेंगे इट इज अ फिब्रिलर प्लाज्मा कनेक्शन,
ये एक फिब्रिलर प्लाज्मा कनेक्शन होता है थ्रू थ्रू सेल वॉल. इट इज अ फिब्रिलर प्लाज्मा कनेक्शन थ्रू सेल वॉल एंड ब्रिजेस. क्या करते हैं, ब्रिज का फॉर्म करता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल. तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, फिब्रिलर प्लाज्मा कनेक्शन थ्रू सेल वॉल एंड ब्रिजेस एडजेसेंट सेल. सिंपली बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन. क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटो प्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल. साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल इज नोन एज, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन सेल टू सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. नाउ द कंटिन्यूटी ऑफ द सेल, ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. इसलिए साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा को साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा गया है. लिखेंगे द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल, द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू, द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, इज मेंटेन्ड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्मोडेस्माटा है या सेल प्लाज्मोडेस्माटा है या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कुछ भी नाम आ सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा भी बोल सकते हैं या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोल सकते हैं. इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजॉइनिंग प्लांट सेल. इट फैसिलिटेट और इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स, बिटवीन एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स. इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स. तो देखो पहला पॉइंट, प्लाज्मोडेस्माटा एक फिब्रिलर प्लाज्मा कनेक्शन है विथ थ्रू द सेल वॉल एंड फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन देम. वी कैन से दैट द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. थर्ड, द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और वी कैन कॉल प्लाज्मोडेस्माटा. सो इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. प्लाज्मोडेस्माटा का कंसेप्ट समझ आया? देखो जैसे ये एक प्लांट सेल है, कॉमन एग्जांपल समझो, ये एक प्लांट सेल है और ये एक प्लांट सेल है. ठीक है, अब दोनों प्लांट सेल के बीच ये एक साइटोप्लाज्मिक चैनल हो गया जिससे एक सेल से दूसरे सेल में टू एंड फ्रो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, और दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है, तो इस चैनल को कहा गया प्लाज्मोडेस्माटा. समझ आया? ठीक है, यानी प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना, दो एडजेसेंट सेल के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है. और ब्रिज से क्या हो रहा है, एक जगह का आदमी दूसरे जगह में इंटर आ सकता, आना जाना सकता है. सेम काम यहां पे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक एडजेसेंट सेल दूसरे एडजेसेंट सेल के साथ कर रहा है. मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है
एक सेल के साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में आसानी से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, एंड दैट इज ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। समझ आया? ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, दैट इज फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जो ये निश्चित करता है कि जो भी प्लांट सेल है उसमें जो भी ग्रैनुलर बॉडीज बना है वो एक जगह सेंटर्ड हो, और साथ ही साथ उसमें जब कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव हो दे फॉर्म अ सेल प्लेट एंड लेटर दिस सेल प्लेट फॉर्म टू एडजेसेंट सेल वॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट। ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ के इस टॉपिक को ओवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट सबसे पहले, व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल वॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है वो साइटोप्लाज्म का प्रोडक्ट है। द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स सच एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दूसरा गॉल्जी बॉडीज एक्सेट्रा, ठीक है, प्ले या प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एक और स्ट्रक्चर लिख लो, माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है, ये तीनों के साथ और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये तीनों डोमिनेंट है, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट, सेल वॉल इज फॉर्म्ड, सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट। अभी बताए थे ना, सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट विच इज ऑल्सो referred to as फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट सेल में आफ्टर कैरियोकाइनेसिस जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये एक डॉटर सेल है, ये एक डॉटर सेल है, और यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ये हो गया स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर में माइक्रोटिब्यूल्स और गॉल्जी बॉडी के कारण इस तरह से ग्रैनुलर बॉडीज बीच में एक्यूमुलेट होता है, और इसको एक सेंटर में एक्यूमुलेट करता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। और फ्रैग्मोप्लास्ट कब हटता है? जब इस ग्रैन्यूल्स के ऊपर कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव होता है और ये कंप्लीट एक सेल प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेल प्लेट इस तरह से बनते बनते दोनों तरफ की वॉल को टच करता है और फाइनली एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या बन गया? सेल वॉल। ठीक है, इसलिए हम फ्रैग्मोप्लास्ट का टर्म का यूज किए, ठीक है, विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फ्रैग्मोप्लास्ट। नाउ ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, दिस टर्म वॉज गिवेन बाय इरेरा इन 1888। ठीक है, द टर्म फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट was given by Irera in 1888।
फ्रैगमोप्लास्ट टर्म को इरेरा ने 1888 में दिया था। अब फ्रैगमोप्लास्ट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनता है इसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है? फ्रैगमोप्लास्ट का। ठीक है, सेल वॉल इन प्लांट सेल। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रैगमोप्लास्ट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, या बोल दो डायरेक्ट सेल वॉल की जगह यूज कर दो कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का। सेल वॉल बोलो या मिडिल लैमेला बोलो। ठीक है, और लास्ट अब हम लोग इसका फंक्शन जानेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, सबसे पहला फंक्शन क्या था फ्रैगमोप्लास्ट का? सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का, इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप एंड साइज टू द सेल वॉल, अलोंग विद इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन। ठीक है, सेकेंड इसका क्या था? इट प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स टू इंटर इनटू द सेल, एंड थर्ड इट प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन, इट प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। फ्रैगमोप्लास्ट समझ आ गया तुम लोगों को? देखो लास्ट इसका फंक्शन बता देते हैं। लास्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है? सबसे पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ डेफिनिट शेप टू द सेल। ये एक सेल को, चाहे वो प्लांट हो या फंगल सेल हो, उसको एक डेफिनेट शेप दे रहा है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म, ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग मास को अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी दैट इज डैमेज एंड इन्फेक्शन। ना वो उसको डैमेज होने देता है और ना ही वो उसको इन्फेक्टेड होने देता है। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। थर्ड क्या है? इट प्रोवाइड्स बैरियर, ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड अटैक ऑफ पैथोजेन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पैथोजेन? दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड हार्म टू आवर बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेन। तो पैथोजेन और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स और पैथोजेन के प्रति ये जो सेल वॉल है ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है। तो इसका तीन मेजर फंक्शन, फर्स्ट इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डेफिनेट शेप टू द सेल, सेकेंड इट प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी, व्हाट दैट मैकेनिकल इंजरी दैट इज डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेकेंड, ये जो तुम्हारा सेल वॉल है इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन,
एंड थर्ड इट प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट होम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द सेकेंड इज पैथोजन दैट इज हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विच मे डैमेज द सेल वॉल. ओके दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक यू. बोलो sir.